तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। भाई यहाँ पर थोड़ा सा आज आपको बता दूं, एक तो खुशी भी है कि थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों की मदद से, आप सब लोगों का प्यार इतना बना हुआ जो आज हमारी फैमिली 2000 प्लस कर चुकी है, 2000 सब्सक्राइबर्स से प्लस हो चुके हैं। और भाई उसी की खुशी आप सब लोगों तक, मेरे सब लोगों की शुभकामनाएं। भाई मैं बहुत बहुत रिक्वेस्ट आप लोगों से करी थी जो आपने 2000 कंप्लीट कर दिए, लेकिन बहुत से कमेंट्स अभी तक मेरे पास हैं कि भाई आप शेयर चैट वाले हो, आप कौन हो पहले तो ये बताओ, शेयर चैट की इतनी वीडियोज बनाते हो। तो भाई अनूप जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। अनूप जी मैं आपको बता दूं, मैं शेयर चैट पर अर्निंग करता था, अभी नहीं करता हूं, लेकिन मैं शेयर चैट को बहुत अच्छे से जानता हूं, पूरे स्ट्रक्चर को मैं उसके अच्छे से जानता हूं, इस वजह से मैं उस पर वीडियोस बनाता हूं। अच्छा यहां पर भाई बात कर लेते हैं कि बहुत से लोगों ने उससे ये भी कमेंट करा था कि भाई आप अपना नाम क्यों नहीं बताते। तो भाई देख हर एक चीज का एक टाइम होता है, मैं भी आऊंगा अपने नाम के साथ एक टाइम पर। दूसरी चीज, बहुत से लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि भाई आप अपने चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं उसे हाइड क्यों कर रखा है। तो भाई एक टारगेट अचीव कर रखा है, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होगा मैं अपने सब्सक्राइबर हाइड ही रहने दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। भाई टॉपिक आज का ये है कि शेयर चैट पर आप विदाउट होल्डिंग वीडियोस कैसे बना सकते हो। पहले क्या होता था, शेयर चैट पर आपको होल्ड करके रखना होता था, उसके बाद ही आप कोई भी वीडियो मूवमेंट आप कर सकते थे। अभी क्या है कि आप विदाउट होल्डिंग भी वीडियोस बना सकते हो, उसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है, 10 सेकंड का टाइमर होता है उसके अंदर। जैसे आप सेल्फी में यूज करते हो, सेल्फी खींचते हो तो 3 सेकंड का 10 सेकंड का जो टाइम लगाते हो, सेम वैसे ही आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो शेयर चैट पर, और वहां से भी आप अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हो, जिसकी वजह से आप एक साइड में फोन रखकर 3 सेकंड का टाइम लगा दो और होल्ड करके उसको चले जाओ, और उसके बाद आपको अपना एक्ट पर ध्यान देना है। तो भाई यहाँ पर आज टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी ये नहीं पता कि टाइमर को ऑन कैसे करना है, टाइमर कहाँ से ऑन होता है, विदाउट होल्डिंग कैसे वीडियोस बनती है। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, भाई वो वीडियो को लाइक कर दो। और अब की बार लाइक का जो एम रखा है भाई, वो मैंने 150 लाइक रखे हैं, 150 लाइक आई होप कि आप सब लोग मुझे दे दोगे 24 घंटे के अंदर अंदर। भाई उसके बाद ये है कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो, अगर आप भी देखना चाहते हो शेयर चैट की ऐसी ही वीडियोस। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप होल्डिंग वीडियोस कैसे बनाते हो इसके लिए ये क्लिप आप देख लो। तो भाई देखो जल्दी से समझ लेते हैं विदाउट होल्डिंग वीडियोस आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ मैं फटाफट से अपना शेयर चैट। ये मैंने शेयर चैट ओपन कर लिया है। अब भाई शेयर चैट के कुछ नए काम आ चुके हैं, इसकी वजह से मैं रिकॉर्ड स्क्रीन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कर तो पाता हूँ, लेकिन आपको सिंपल से मैं एकदम ये बता देता हूँ। प्लस के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कैमरा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरे का फ्यूचर आपको नज़र आ गया कि ये कैमरे पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये बैक कैमरा भी ऑन है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा बैक कैमरा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बैक कैमरा अगर मेरा ऑन है तो इसी पर हम क्या करेंगे, तो ये स्पीड आपको लिखा हुआ आता है, ये स्पीड हमारी 2.0 और 0.5x, ये हमारा जैसे टिकटॉक में होता है सेम वैसे ही हमारा स्पीड है, इसको 1.0x ही रहने देना है हमें, तभी अच्छा काम ये करेगा। चलो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर टाइमर जहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर सिंपल से देखना है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो खिंच जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप अपना टाइटल या फिर स्टिकर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बैक कर देते हैं वापस आके। अब यहाँ पे क्या है आप देख पाएंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। टाइमर यहाँ पे यहाँ लिखा है, वहाँ सिंपल से आपको टाइम पर क्लिक करना है। अब ये 3 सेकंड का यहाँ पर टाइम लेगा फ़ोटो खींचने में, तो जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो वो सिंपल से 3, 2, 1 और ये खींच गया फ़ोटो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको वापस से बैक करता हूँ, सेम यही प्रोसेस यहाँ पर उसका 3 टाइम्स है 10 टाइम्स है। तो अभी 10 टाइम्स में भी आप सिंपल से देख सकते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो 10 टाइम्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो 10 टाइम्स के बाद वापस क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाता है टाइमर, आप डायरेक्ट टैप करेंगे डायरेक्ट फ़ोटो खिंच जाता है। चलिए बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद जैसे आप वीडियो होल्ड करते हैं तो वीडियो आपकी बन जाती है, सेम वही प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पर 3 टाइम का लगाना है, और 3 टाइम में अब आपको यहाँ पर होल्ड करके रखना है। देखिए मैं पर होल्ड करता हूँ 3, 2, 1 और उसके बाद ये मेरी वीडियो बनना स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये वीडियो क्यों नहीं बन रही, ठीक है। एनीवे लेकिन दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं, तो सेम प्रोसेस वही, अगर आप 10 टाइम का यहाँ पे लेना चाहते हो तो यहाँ पे 10 टाइम और 10 टाइम के बाद यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आपका 10 से अपना काउंटिंग हो जाती है स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद ये आ जाता है आपको यहाँ पे नज़र। तो भाई आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको 10 सेकंड का टाइम लेने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ आपके भी उसमें भी चल रही है, इस सलूशन को मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ भाई कि क्या इसका प्रॉब्लम है। तो इसका प्रॉब्लम आते ही मैं आप तक इसकी अपडेट ज़रूर पहुँचाऊँगा। वीडियो आज की कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय।